तो ये हॉरर स्टोरी है मेरे एक सब्सक्राइबर फिरोज की। तो तब की बात है जब फिरोज भाई छोटे थे, तो इनकी मम्मी घर पे नहीं थी, इनके पापा अलग रूम में सो रहे थे और इनके रूम में इनकी बहन अलग सो रही थी और वो अपनी मेड के साथ सो रहे थे। मजे तो फिरोज भाई आपके ही थे, नॉटी। खैर, तो अचानक से रात को 3 बजे उनको आवाज आई अपने पापा की। वो उनसे बोल रहे थे कि दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। अचानक से आवाज आई, वो उठे, उन अगल बगल देखा तो कोई नहीं था, पर उनको ऐसा लगा कि पापा की आवाज कहीं से आ रही थी। इन भाई सब की फटी, लेकिन बचपन में क्या, जाके गेट खोल दिया। अब वो जैसे ही हॉल में गए, हॉल में उनके पापा जो है सोफे पे सो रहे। इसने सोचा क्या पता अंदर शायद गर्मी लग रही हो, इसलिए बाहर आके सो गए। तो भाई साहब अपने रूम की तरफ जाने लग गए। जाते जाते उन्होंने अपने पापा का रूम देखा, पापा के रूम का दरवाजा खुला हुआ था। उसने जाके चेक किया, फिरोज भाई की तशरीफ के चीथड़े उड़ गए, उसके पापा वहां पे सो रहे थे। ये सोफे पे कौन है? ये भाई साहब हावड़ों की तरह भाग के अपने पापा पे कूद गए। पापा से जाके बोला कि भाई पापा बार बार आपके ऐसा कोई बैठा है, ये सो रहा है, दो दो पापा, दो दो पापा। उसके पापा ने आके बाहर चेक किया तो कोई नहीं था। ये भाई साहब फिर 3 हफ्ते बीमार रहे। लेकिन अगर आप नहीं चाहते कि आपको भी नींद में ऐसे कोई बुलाए तो सियोमी ज़ोन के चैनल को सब्सक्राइब कर दो।